मतलब जो है ध्यान इस पे भी जाना चाहिए, लेकिन मतलब जो है मंदिर से इसका मतलब कोई वो नहीं है। हाँ, कोई झोपड़ी की भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। भाजपा ही आए। हाँ, भाजपा हमेशा मतलब इतनी उन्नत कर दी है भाजपा ने कि सब उन्हीं के मतलब वो हो गए हैं कि अब बार बार ऐसा ही नेता आए जो मतलब विकास बहुत अच्छा है। अयोध्या तो हमारी इतनी अच्छी बन गई है कि बहुत दूर दूर तक समझिए कि लोग जो है आ रहे हैं कि चलिए देखिए अयोध्या जो 14। नमस्कार, जय हिंद। देखिए हम लोग इस समय अयोध्या में है और अयोध्या धाम में आप लोग देख रहे होंगे कि धर्म यात्रा रथ इस पे लिखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 1992 से चलाया गया था शायद वही धर्म रथ यात्रा जो है उसकी झांकी यहां पर प्रस्तुत की जा रही है। और यहां पर इस समय 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उसके उपलक्ष्य में तमाम जगह से लोग उपस्थित हो रहे हैं, तमाम जगह से लोग आ भी रहे हैं। देखिए भैया भी कहां कहीं से आए हैं, कहां से आए हैं भैया? भैया हम लोकल हैं, अयोध्या से लोकल हैं। धर्म यात्रा रथ जो है आपके यहां से निकला है, किस उद्देश्य से आज इसको झांकी निकाली गई है, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अयोध्या में माहौल अच्छा है जी। और क्या कहना चाहेंगे, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं कि रामलला हमारे यहाँ आ गए हैं जी। और प्राण प्रतिष्ठा है और उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, भैया भी हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? आरपी सिंह। आरपी सिंह कहाँ से हैं आप? यहीं अयोध्या से? अयोध्या धाम से। आपके यहाँ पर जो है अयोध्या में आपने जन्म लिया, आपको आज कैसा लग रहा जब भगवान राम का भी जो है उनके सब कुछ मिल गया, उनका घर मिल गया, उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा, क्या कहेंगे इस पर? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये कभी कोई सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से हो जाएगा। और योगी मोदी मिलकर दोनों लोग, आप देखिए जनता कभी यहाँ दो चार दिखती थी, आज देखिए लाखों में घूम रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, इतना विकास, इतना सब कुछ कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और कोई आज तक नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, अयोध्या जितना बन गया। यहाँ पर इतने लोग घूम रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग न्योता पा करके भी नहीं आ रहे हैं, उन पर आप लोग क्या कहेंगे, अयोध्या वासी क्या कहेंगे उनको? ये तो अपनी भूल है, भगवान तो सबके हैं, इसमें पार्टी से कोई वही नहीं है, पार्टी में जुड़ने नहीं चाहिए, भगवान तो सबके हैं, चाहे जो हो सबको आना चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो उनका विचार है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई ईश्वर सबके हैं, सबको आना चाहिए। इसी अयोध्या के ऊपर रामचरितमानस लिखा गया है, रामचरितमानस को कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग उस पर टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे लोग को यहाँ के लोग जनता लोग क्या कहेंगे और आप लोग क्या कहेंगे? भैया किसी को चाहे जो हो, किसी वो विद्या जैसे हम लोग किताब कॉपी मिलती है एक दो चार पाँच में पढ़ते हैं तो उसको नहीं जलाया जाता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इसको घर में रखिए, ये विद्या है, तो जलाना तो किसी को नहीं चाहिए, और जला रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। कैसा विकास इस समय हुआ है? रोड तो बढ़िया बन गई है, तमाम साफ सफाई भी हो गई है, क्या अयोध्या जो पहले था वही है कि बदल चुका है? अयोध्या बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल ही बदल गया है पहले। हाँ, पहले से जो है बहुत ज़्यादा बदलाव है, पहले तो कुछ भी नहीं था, आज देखिए इतना सब घूम रहे हैं, सिर्फ अच्छा है इसीलिए सब घूम रहे हैं, नहीं तो यहाँ इस ठंड में कौन देखता। जनवरी चल रहा है, आप क्या कहेंगे अयोध्या के इस बदलाव को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, अयोध्या तो हमारी इतनी अच्छी बन गई है कि बहुत दूर दूर तक समझिए कि लोग जो है आ रहे हैं कि चलिए देखिए अयोध्या जो 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद प्रभु श्री राम जी वापस लौट के आए थे, उसी वही माहौल आज भी यहाँ पूरे 500 वर्ष के बाद आए वापस, फिर आ गए, फिर वैसे वापस आ गए हैं, इतना अच्छा माहौल बन गया है, हम लोग समझिए एकदम धन्य हो गए हैं इस पावन नगरी पे, हम लोगों के मतलब आज स्थान है, हम लोगों का पैर है, हम लोग रहे हैं आज, जो थोड़ा प्रभु के राम के नाम की माला हम लोग जप रहे हैं, ये सब उनकी कृपा है, बहुत अच्छा है, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। इसके तमाम कोने से लोग आ रहे हैं, तमाम राज्य से आ रहे हैं, उन लोगों को क्या लग रहा है कि अयोध्या वही रह गई कि बदल गई? नहीं, उन लोगों को भी लग रहा है कि अयोध्या बहुत बदल गई है, अयोध्या जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो तो यहाँ देखे हैं कि अयोध्या कैसी थी और अब कैसे हो गई है। 2024 का माहौल तब क्या लग रहा है कि भाजपा है या फिर कोई? नहीं, भाजपा ही आए। हाँ, भाजपा हमेशा मतलब इतनी उन्नत कर दी है भाजपा ने कि सब उन्हीं के मतलब वो हो गए हैं कि अब बार बार ऐसा ही नेता आए जो मतलब विकास करे हम लोगों का, बहुत कुछ विकास कर दिए हैं। कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए, जो शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, तो क्या शिक्षा स्वास्थ्य में कोई कमी है अगर मंदिर बन जा रही है तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो है ध्यान इस पे भी जाना चाहिए, लेकिन मतलब जो है मंदिर से इसका मतलब कोई वो नहीं है। हाँ, कोई तुलना नहीं की जा सकती। विकास, रेलवे स्टेशन देखिए, बस
बस स्टेशन देखिए सब तो हो रहा है। हाँ सब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हो गया है, इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ तो रामलला जी आ रहे हैं, कोई गीत अगर हो आपके मन में तो थोड़ा सा दो लाइन। मेरी झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे, राम आएंगे। एक लाइन हम थोड़ा और गाना चाहते हैं जी, बताइए। जैसे राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, राम आएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो सांसें थम जाएगी, राम आएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो आंखें भर जाएगी, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। कुछ शंकराचार्य यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भी सही समय नहीं है, तो उन लोग को आप क्या कहेंगे कि मतलब सही समय नहीं होता तो क्या इतना विशाल जो है आयोजन हो पाता कि नहीं हो पाता, उनको क्या कहेंगे शंकराचार्य जो अपने आप को कहते हैं? नहीं भाई, जो है मतलब सबको आना चाहिए, इसमें जो है मतलब इतनी उन्नत, इतनी आस्था, इतनी प्रभु श्री राम की मतलब वो हो गया है कि मतलब हर एक के प्रति आस्था, शंकराचार्य जी हैं कुछ भी, मतलब सबको यहाँ आना चाहिए। हाँ सबको आना चाहिए, हाँ, और लोग आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक चीज़ और है कि अयोध्या में आप लोग भी आइए, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद जब भी आप आएंगे तो यहाँ का नज़ारा आपको ऐसा ही मिलेगा और ऐसा ही हम लोग उम्मीद करते हैं। क्या लगता है चाचा कहाँ से आए हैं आप? भैया मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से आए हैं, क्या बदलाव लग रहा है अयोध्या? बदलाव तो भैया ये समझ लो कि राम आएंगे तो मृत्यु मिले, हमें तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए अलीगढ़ से देखिए भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ से लखनऊ से नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। और रथ यात्रा आपके सामने है कि जो धर्म रथ यात्रा तो 1992 में शायद चली थी और आज भी यहाँ पर खड़ी है जो कि झांकी उसकी है, और आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। जय हिंद।